चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। और ये जो पहली खबर है दोस्तों, ये नॉन टेक है, टेक्निकल नहीं है, फिर भी आपको बतानी थी। NEFT, आपको पता है NEFT बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स होते हैं, ये अभी तक 24/7 नहीं थे। जी हाँ, सिर्फ वर्किंग आवर्स में जब आप करोगे, बैंक के वर्किंग आवर्स में, तो पैसे ट्रांसफर होते थे 2 घंटे में। अब वो 24/7 चालू हो गया है। इसका मतलब नॉन वर्किंग आवर्स में अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हो थ्रू NEFT, तो आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। दैट इज अ बिग न्यूज। जो ज्यादा NEFT करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है। और दोस्तों जियो की तरफ से 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। एक तो बता दूं, जियो फाइबर लॉन्च हो गया है, जियो गीगा फाइबर। उनका डाउनलोड स्पीड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग कहते हैं ठीक ठाक है, लेकिन अगर अपलोड स्पीड्स आप देखोगे तो ऐसे देखने में आया है कि 10% कैप है। इसका मतलब अगर आप कम से कम वाला 100 Mbps का प्लान लेते हो और आप हमारे जैसे यूट्यूबर हो और आपको अपलोड करना है, तो 10% ही स्पीड मिलेगा, 100 Mbps नहीं मिलेगा, 10 Mbps मिलेगा। इसका मतलब डिवाइडेड बाय 8, एक्चुअली आपको जो स्पीड मिलेगा वो 1.2 या 1.5 Mbps होगा। तो सोचिए, दैट इज रियली बैड। ये बताया नहीं था जब जियो गीगा फाइबर लॉन्च हो गया था, तब 100 Mbps कह रहे थे, लेकिन अपलोड स्पीड ओनली 10 Mbps। और दोस्तों और एक खबर आई हुई है जियो की तरफ से, जियो भी अब वो वाईफाई यानी वॉइस कॉलिंग ओवर वाईफाई लॉन्च कर रहा है। इनफैक्ट अब टेस्टिंग चालू हो गई है। एक यूजर है नासिक में, उन्होंने उनके आईफोन के ऊपर देखा कि ये जो सर्विस है वो चालू हो गई है, लेकिन अभी तक जियो ने ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है, लेकिन एयरटेल ने लॉन्च कर दिया है। जियो ज्यादा पीछे कैसे रह सकता है? इसका मतलब नासिक या फिर महाराष्ट्र सर्कल में वो वाईफाई फ्रॉम जियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और एक बड़ी खबर है दोस्तों, MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। कितने लोगों ने आप में से अभी तक एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर तक आप MNP यूज करके गए हो? वैसे अगर गए हो तो आपको पता है कि 7-8-10 दिन लगते हैं कभी कभी आपका नंबर पोर्ट होने के लिए, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। जी हाँ, पिछले 1 साल से बात चल रही थी इसके ऊपर, फाइनली आज से न्यू MNP रूल्स, नए MNP रूल्स जो है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रूल्स हैं, वो लागू हो गए हैं। अब 48 आवर्स के अंदर, इसका मतलब 2 दिनों के अंदर आपका नंबर स्विच हो जाएगा। इसका मतलब आपने रिक्वेस्ट डाली एक ऑपरेटर को कि भाई मुझे स्विच होना है, 48 आवर्स में आप नए ऑपरेटर पे चले जाओगे। दैट्स अगेन अ बिग एंड गुड न्यूज। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 596। और अगर नए हो तो एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और आपको तो पता है दोस्तों, हम जबरदस्त वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे आज हमने किया हुआ है। जी हाँ, Realme Buds Air का फर्स्ट लुक मैंने बताया, एम्बार्गो की वजह से ज्यादा कुछ बता नहीं सके, लेकिन तीनों भी कलर्स आपको दिखाए हुए हैं और 5 फीचर्स बताए हुए हैं। दिस इज टर्निंग आउट टू बी रियली गुड ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। साथ में X2 के फोटो सैंपल्स भी आपको बताए हुए हैं, जरूर देखिएगा इनका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस रिव्यू, कैमरा रिव्यू, सब कुछ बहुत ही जल्दी आ रहा है। और दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो 10-15 दिनों पहले लॉन्च हो गया था, उसके बेंचमार्क स्कोर्स आने चालू हो गए हैं। और अंतुतु के ऊपर जो इसका स्कोर आया हुआ है, दैट बीट्स एप्पल का A13 बायोनिक। जी हाँ, अंतुतु का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर इसका स्कोर आया है 5,41,000 के ऊपर, 5,41,000 के ऊपर। अगर आप A13 बायोनिक चिप के साथ देखते हो तो थोड़े से मार्जिन से ऊपर है Qualcomm Snapdragon 865। जी हाँ, Geekbench पे अभी भी A13 ही ज़्यादा स्कोर करता है, लेकिन स्लाइटली ज़्यादा नहीं। बेसिकली कह सकते हैं कि ये दोनों भी जो चिपसेट्स हैं, दे आर इक्वली पावरफुल। और दोस्तों क्या बताऊं, ये जो मेगापिक्सल कैमरा, मेगापिक्सल की जो रेस है वो बढ़ती जा रही है, और सैमसंग तो बहुत ही आगे निकल जा रहा है। जी हाँ, आपको तो पता है 108 मेगापिक्सल उनका आ गया है। आजकल हम 64 मेगापिक्सल के बारे में बात ही नहीं करते हैं, 48 तो जमाना हो गया उसको। जी हाँ, अब वो काम कर रहे हैं 144 मेगापिक्सल सेंसर के ऊपर। ऑलरेडी ये आइस यूनिवर्स ने लीक किया हुआ है और उसने कहा है कि, और उसका इमेजेस वगैरह भी आ गए हैं सेंसर के। ये 14 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे होने वाला है, फिनफेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला है, एंड 144 मेगापिक्सल। दोस्तों एक गैस कीजिए, आप कमेंट्स में जाइए और बताइए 144 मेगापिक्सल से खींचा हुआ एक फोटो कितना साइज होगा उसका, 30 MB, 40 MB, 50 MB, 100 फोटोज निकाले, खत्म हो गया आपका पूरा स्टोरेज। वैसे दोस्तों अगर न्यूज अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों नोकिया
चाइना में दिसंबर 24 को एक क्लैमशेल फोन लॉन्च कर रहा है। जी हाँ, जब हम मैं क्लैमशेल कहता हूँ तो आपको लगेगा मोटो रेजर जैसे फोल्डेबल स्मार्टफोन है, नहीं ऐसे नहीं है, ये क्लैमशेल है, दो स्क्रीन्स है, ये मैं कह सकता हूँ कि एक हाइब्रिड है बिटवीन अ फीचर फोन एंड स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काय ओएस है, इसका मतलब व्हाट्सएप का वगैरह सपोर्ट है, दो तीन चीज़ें, लेकिन टच वगैरह पैनल्स आपको नहीं मिलेंगे। कुछ 1.3 इंच की ऊपर की बाजू स्क्रीन है, अंदर की स्क्रीन वो कुछ 2.8 इंच की है, तो ठीक ठाक लग रहा है, अब देखेंगे जब आएगा तभी। लेकिन काय ओएस पे नोकिया 2720 क्लैमशेल फोन। दोस्तों 2019 रियलमी के लिए क्या साल रहा है, और आज नंबर्स आ गए हैं कि इस 12 महीने में उन्होंने कितने फोन बेचे। यू विल बी सरप्राइज, 15 मिलियन, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ फोन्स बेचे हैं रियलमी ने सिर्फ एक साल में। और क्यों ना हो दोस्तों, हर महीने एक एक फोन लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि रियलमी ने कहा है कि हमने इस साल तो 15 मिलियन किए, 2020 में हमारा टारगेट है 30 मिलियन फोन्स बेचना। और 30 मिलियन फोन्स बेचना, इट्स नॉट अ जोक दोस्तों। जी हाँ, ये 1.5 साल पुरानी कंपनी है और इतना बड़ा जो टारगेट है वो रखा हुआ है। आई होप दे अचीव इट, बेस्ट ऑफ लक रियलमी। और हाँ दोस्तों, रियलमी X2 जो कल लॉन्च होने वाला है, इसकी प्राइस लीक हो गई है। जी हाँ, जो मॉक प्रेजेंटेशन कर रहे थे, इसका मतलब जब प्रेजेंटेशन देते हैं एक्चुअल लॉन्च इवेंट में, उसके एक दिन पहले वो मॉक प्रेजेंटेशन करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसमें उस स्क्रीन का फोटो बाहर आ गया है। दो वेरिएंट्स दिख रहे हैं, 6GB 128GB and 8GB 128GB, और ये पहला फोन होगा 20,000 के नीचे जिसमें 730G होने वाला है। जी हाँ, 19,999 प्राइस है इसकी 6GB वेरिएंट की, 8GB वेरिएंट की 1,000 ज़्यादा है 20,999। अगर ये जो आया हुआ है लीक वो सही हो तो। और दोस्तों, अगर आप Redmi K20 लेने में इंटरेस्टेड हो, और अगर आपको Flipkart अच्छा नहीं लगता है, तो Amazon पे भी लिस्ट हो गया है। जी हाँ, Redmi K20 एंड K20 Pro आर नाउ लिस्टेड ऑन Amazon इन ओपन सेल, जाइए खरीदिए, अच्छे हैं। वैसे इतने दिनों तक Flipkart पे था, पहले से ही Amazon पे भी डालना था, तो जिनको Amazon अच्छा लगता है उधर से वो बाय करेंगे, Flipkart जिनको अच्छा लगता है उधर से वो बाय करेंगे। और दोस्तों, टेना के वेबसाइट के ऊपर Redmi K30 लिस्ट हो गया। आप कहोगे कि Redmi K30 लॉन्च होके हफ्ता हो गया, लेकिन वो लॉन्च हुआ था 8GB। अब जो लिस्ट हो गया है टेना वेबसाइट के ऊपर वो है 12GB वेरिएंट, एंड ये 5G वाला वेरिएंट है, इसका मतलब बहुत ही जल्दी आने वाला है 12GB वाला Redmi K30। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म इधर ही, और अगर सेल ऑफर्स डील्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, जरूर मैं एक दो अच्छी डील्स आपके लिए लेके आऊंगा, उधर उसके लिंक्स भी दे दूंगा, देखना है तो जरूर देखिएगा। लेकिन अब वक्त होता है ट्रैक इन टेक ट्रेजर हंट का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, आगे पीछे ऊपर नीचे दिखा, अरे दिखा तो रुकिए मत, जाइए कमेंट सेक्शन में #TTTH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, और स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे ट्रैक इन टेक ट्रेजर हंट के विनर हैं दीपा मिद्धा, कांग्रेचुलेशंस, भेज दीजिए आपका पेटीएम का ईमेल आईडी, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, जी हाँ, आपका नाम लेने का, इसका मतलब हमारे सुपर स्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपर स्टार फीचर कमेंटर्स हैं रियाज चाकी, रणधीर यादव और शिवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या जबरदस्त कमेंट्स डाले दोस्तों। ऐसे ही कमेंट्स लिखते रहिए, ऐसे ही हम कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 596 खत्म होती है इधर ही। अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।